अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे शाही कुल्फ़ा, वो भी बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 kg दूध है, इसको हमने पहले से बॉयल होने रख दिया है और इसको हमने हल्के हल्के से इसको चलाना है हमने बॉयल आने तक। हम इसको हल्के हल्के चलाते रहेंगे। ये देखें, दूध में बॉयल आ गया है, दूध में बॉयल आ गया। इसके अंदर अब हम 1/2 कप चीनी डालेंगे और इसको चलाएंगे। दूध को चीनी के साथ मिक्स करेंगे। इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। 1/4 teaspoon इसके अंदर इलायची पाउडर डाल के मिक्स करेंगे। हमारा दूध पक गया अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर बादाम पिस्ते डालेंगे 3 tablespoon। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, आपको जितने भी पसंद है। बादाम पिस्तों को डाल के हमने अच्छी तरह दूध को पकाना है। दूध हमारा हाफ हो जाए। अब हम इसके अंदर 2 slices, मेरे पास ब्रेड थी, इनको मैंने ब्रेड क्रम्स बना के इसके अंदर डालेंगे हम दूध के अंदर, और इसको ठीक होने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें, ये ठीक होना शुरू हो गया। हल्के हाथ से हमने इसके अंदर बिल्कुल इसको चलाना है हमने। हम इसका चूल्हा ऑफ करेंगे और इसके अंदर 2 tablespoon हम क्रीम डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे क्रीम डालने के बाद, और इसे ठंडा होने देंगे। एयर टाइट बॉक्स में हम सबसे पहले इसके अंदर बादाम पिस्ते डालेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट कुल्फा भी डाल सकते हैं। बादाम पिस्ते डालेंगे, और ये जो हमारा कुल्फा हमने तैयार किया था ये डालेंगे इसके अंदर। बहुत ही झटपट बनने वाला ये कुल्फा है। बाजार जैसे कुल्फा घर पर बना सकते हैं। इसे हम टैप करेंगे, इसके अंदर से बबल्स निकल जाएं, और इसे कवर करके ओवरनाइट रख देंगे हम। ओवरनाइट मैंने कुल्फा रख दिया था फ्रिज में, ये अच्छी तरह फ्रीज हो गया है। ये देखें, कुल्फा तैयार है। अब हम इसे निकालेंगे। आप चाहें तो इसको प्लेटर में निकाल के इस तरह स्लाइस भी कर सकते हैं, और स्कूप से भी निकाल के आप इसे सर्व कर सकते हैं। शाही कुल्फा हमारा तैयार है। आप लोग भी ट्राई करें, बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट है ये। माय कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।